हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुशपाश होंगे अच्छा जी आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त से अफोर्डेबल फ़ेस वॉशेस लेकर आई हूं ये बहुत अच्छी रेंज है अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी का प्रॉब्लम रहता है इसके साथ साथ आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है विंटर्स में वैसे स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली रहती है तो आप इन फेस वाशिज़ को ज़रूर यूज़ करें आप लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे ना सिर्फ़ आप इन्हें विंटर्स में बल्कि आप समर्स में भी इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत अफेक्टिव रिजल्ट देंगे बहुत अफोर्डेबल है रेंज में है इसके अलावा वर्क बहुत अच्छा करते हैं एक्खने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं अच्छा जी इसके साथ साथ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो अच्छा जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप लोग इन सारे फेस वॉश के इंग्रेडिएंट के बारे में जान सके या आपकी स्किन पे कैसा वर्क कर सकते हैं ये सारी चीजें जान सके तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ अच्छा जी यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट फेस वॉश है ना वो आप लोगों की एक्नी के लिए बहुत अच्छा वर्क करने वाला है और बहुत ज़बरदस्त है ये प्राइस रेट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है अच्छा जी सारे प्रोडक्ट के जो प्राइजेज हैं वो मैं नीचे मैंशन करती जाऊँगी ये मेरे पास यहाँ पे जो पहली रिकमेंडेशन है वो एक्नी क्लियर फेस वॉश की है ये आप लोगों की स्किन पर काफ़ी अच्छा वर्क करता है इसकी फार्मुलेशन काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर ये कहते हैं कि ऑयल को कंट्रोल करता है हाईली मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर्स में तो आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज़ भी करता है इसके अलावा ये सूट फॉर एक्नी अगर आप लोगों की स्किन पे काफी ज्यादा एक्नी का प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन को काफी ज्यादा जो है ये रिलैक्स कर देगा इसमें बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट जो है वो इन्होंने यूज किए गए हैं जिसमें ट्रीटरी ऑयल है एसनेट टाइप का कुछ इन्होंने इंग्रेडिएंट यूज़ किया है जो जो सी आ जाते हैं ना स्किन के ऊपर उन्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है इसके अलावा इन्होंने विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है ये भी हमारी यकनिक के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है यहाँ मेरे पास स्किन एटी ग्राम की ये बॉटल है और ये मेरे ख्याल से मुझे फोर और कुछ कि ये मिली थी वैसे ये पाकिस्तानी ब्रांड बिल्कुल नहीं है ये बाहर का ब्रांड है लेकिन स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है अगर बात की जाए कि आप लोगों को ये कहाँ से ओरिजिनल मिलेगा तो आप इसे किसी भी स्टोर से जो है ख़रीद सकते हैं अलफा वगैरह से ख़रीद सकते हैं और ऑनलाइन दराज से भी आप इसे बाई कर सकते हैं वहाँ से भी आप लोगों को आराम से घर में ये मिल जाएगा और प्राइस रेट भी इसके काफ़ी अफोर्डेबल से है और ये आराम से आपका महीना जो है ना इस पाउडर में गुजर जाएगा टेक्सचर मैं आप लोगों को इसका शो करवा देती हूँ क्रीमी सा मॉइस्चराइजिंग सा इसका टेक्सचर है स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देता है अच्छा जी अगर बात की जाए एक्नी की तो ये एक्नी को कंट्रोल करता है ऐसा नहीं है कि ये एक्नी को ख़त्म ही कर देता है लेकिन आगे, आगे आपकी एक्नी ना आए इस चीज़ को कंट्रोल करता है इसका बहुत लाइट सा टेक्स्चर है क्रीमी सा और फ्रेग्रेंस बहुत लाइट है और बहुत लाइट सा फोमिंग सा इसका जो टेक्स्चर है ना वो है तो स्किन को काफ़ी ज़्यादा मोस्चर ट्राइस करता है हाइड्रेट करता है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें ये मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी नेक्स्ट की जब बढ़ते हैं अच्छा जी नेक्स्ट फेस वॉश में मेरे पास यहाँ पे को नैचुरल का टी ट्री नीम फेस वॉश है अच्छा इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है आप उसे भी चेक कर सकते हैं अच्छा ये अगर आपकी स्किन पे एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम है या आपकी स्किन ऑयली ऑयली है ना तो काफ़ी अच्छा आपकी स्किन पे वर्क करता है आपकी एक्नी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है इसके अलावा इसमें जो मेन अच्छी बात यह है कि ये स्किन के पी लेवल को बैलेंस में रखते हुए उन्होंने बनाया और इसके साथ साथ ये पैराबन फ्री है इनग्रीडियंट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसमें यूज़ किए हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं हाइड्रेट करते हैं अच्छा इसे यूज़ करने के बाद आपको स्किन पर बहुत ज़्यादा खिंचाव जो है ना वो महसूस नहीं होगा क्योंकि ये आपकी स्किन के सिर्फ़ उतने ही ऑयल को रिमूव करता है जितनी ज़रूरत होती है ऐसा नहीं है कि एक्सेस ऑयल जो है ना स्किन का सारा उसका सारा ऑयल रिमूव कर दे और स्किन बहुत ज़्यादा खिंचना शुरू हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं करता आपकी स्किन पर काफ़ी अच्छा वर्क करता है स्किन को में जितना डर्ट पोल्यूशन होती है उसे बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है पैराबिन फ्री है सल्फेट फ्री है तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं आप किसके और इसके अलावा इससे टीनेजर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्राइस रेट के भी इसका काफ़ी अच्छा है और अगर बात की जाए कि आप इसे कहाँ से यूज़ कर कहाँ से ले सकते हैं ना सॉरी तो आप इसे दराज से बाई कर सकते हैं अलफा से बाय कर सकते हैं आप लोगों को और आप इनकी कोनेचर वालों की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी इसे ले सकते हैं टेक्स्चर इसका देखें तो बहुत लाइट सा टेक्स्चर है इसका बहुत फॉर्मिंग सा इसका सिंपल सा जो है उन्होंने इसकी फार्मोलेशन की है इसकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत लाइट सी है जिस तरह टी ट्री ऑयल हम यूज़ करते हैं ना तो उसकी फ्रेगरेंस होती है कुछ उसी तरह के ब्लेंड की इसकी जो है ना वो नीम और टी ट्री के ऑयल की ब्लेंड की इसके अंदर से फ्रेगरेंस आती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ये स्किन की टाइप की बात की जाए तो ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है अच्छा जी नेक्स्ट मेरे पास है गार्नियर का स्किन एक्टिव प्योर फ़ेस वॉश ये भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि सारे के सारे फ़ेस वॉश जो है वो एक्नी के लिए हैं तो ये आपकी एक्नी पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है आपकी एक्नी को इरीटेट नहीं करता इसमें जितने भी उन्होंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं स्किन में ये ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रही कि ये एक्नीओं को ख़त्म ही कर देता है नहीं ऐसा नहीं होता लेकिन जो नेक्स्ट एक्नी होना शुरू हो जाती है ना उसे कंट्रोल करता है आपकी स्किन को साफ़ करता है आपके पोर्स को साफ़ करता है जिसकी वजह से नेक्स्ट चांसेस जो होते हैं ना एक्नी के वो सारा कम हो जाते हैं तो आप गार्नियर का ये स्किन एक्टिव जो है इससे भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा जी ये मेरी थी सारी की सारी रिकमेंडेशंस आप इन सारे के सारे फेस वॉश को ऑनलाइन खरीद सकते हैं और इसके अलावा कहीं से भी स्टोर से भी आप खरीद सकते हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं ये मेरे पर्सनल इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है और अगर कोई ऐसा हिम फेस वॉश को यूज़ कर रहा है तो वो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है तो इन नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है अल्लाह हाफि